दिस इज़ वन प्लस नोट टू 5G एंड इट इज़ एवरीथिंग यू कुड आस्क फॉर. कैन यू इमेजिन एवरीथिंग? चलो देखते हैं कि फोन एवरीथिंग यू कुड आस्क फॉर है भी कि नहीं. इस फोन के अंदर है MediaTek Dimensity 1200 AI जो Snapdragon के लेटेस्ट फ्लैगशिप्स के साथ कंपेरेबल है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि परफॉर्मेंस भी Snapdragon के जैसी देता है कि नहीं. लेकिन अगर 5G की बात करें तो MediaTek काफ़ी सही रास्ते पे चल रहा है. इस फोन के अंदर है Sony IMX766 582 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा सिस्टम और ये इसी फोन की 4K 30 FPS की रिकॉर्डिंग है. अब जैसे कि ये एक रियल वर्ल्ड टेस्ट एंड रिव्यू है, मैंने कुछ फोटोज और वीडियोज क्लिक की हैं फ्रंट और बैक कैमरा से, आप देख सकते हैं. इस फोन के अंदर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है जो ड्यूअल व्यू वीडियो भी रिकॉर्ड करता है, जिसमें फ्रंट कैमरा भी और बैक कैमरा भी एक साथ काम करते हैं. मैंने वो वीडियो शूट की थी लेकिन उसके कोडेक कुछ अलग हैं जो दूसरे डिवाइसेस में चल नहीं रहे हैं. फ्रंट कैमरा फोटोज़ भी ठीक ठाक क्लिक करता है, मैं आपको कुछ फोटोज़ दिखा देता हूँ. बैक कैमरा की वीडियो मैंने आपको दिखा दी हैं, एक दो फोटोज़ भी दिखा देता हूँ. अब जरा इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. सबसे पहले बात करते हैं प्रोज के बारे में. सबसे पहला और बेस्ट पार्ट ये है कि फ्यूचर प्रूफ फोन है. 5G अवेलेबल होते ही आपको नया फोन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी फोन को लंबे टाइम तक यूज कर पाएंगे. और वैसे भी इस रेंज का फोन खरीदने के बाद आई थिंक आपको ज्यादा लंबे टाइम तक उसको यूज करना भी चाहिए, बिकॉज देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स आल अटैच एंड ऑसम वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन टू टॉक मोर अबाउट इट. फोन का कैमरा डिजाइन काफी बड़ा है लेकिन कैमरा बंप बहुत ज्यादा नहीं है, वो आप देख सकते हैं. फ़ोन की बैक साइड से लुक काफ़ी अच्छी है, फ़ोन पकड़ने में प्रीमियम लगता है. साइड्स और बैक पैनल की क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम है. फ़ोन की एज यूजुअल क्लीन UI है. स्क्रीन क्वालिटी इज़ अमेजिंग विद हाई रिफ्रेश रेट. इट लुक्स ग्रेट एंड यू कैन एक्चुअली फील द डिफरेंस. देर इज़ एन ऑप्शन फॉर पर्सनलाइजेशन इन द सेटिंग्स विच इज़ अमेजिंग. आई मीन सभी फ़ोन्स में आपको इतना कुछ पर्सनलाइज करने का ऑप्शन नहीं मिलता. और इस पर्सनलाइजेशन वाले फीचर में मुझे सबसे बढ़िया क्या लगा, क्योंकि इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो इस फ़ोन में बाकी फ़ोन से काफ़ी तेज़ काम करता है. तो यूजुअली फ़ोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर में किसी स्पेसिफिक कलर की लाइट जलती है, जैसे सैमसंग में ग्रीन कलर की लाइट जलती है, लेकिन इस फ़ोन में आप उसको चेंज कर सकते हैं. साथ में आप नोटिफिकेशन ड्रॉर को, आइकन्स के शेप एंड साइज को और काफ़ी कुछ चीज़ें पर्सनलाइज कर सकते हैं. अब क्योंकि इस फ़ोन के साथ 65 वॉट का रैप चार्जर मिलता है तो ये फ़ोन इनसेनली फास्ट चार्ज होता है, 0 to 100% विद इन 30 minutes. मैन मतलब इन एनी सिचुएशन अगर आपका फ़ोन डेड भी होने वाला है तो उसको 20-25 मिनट के लिए चार्जिंग पर लगाओ और फ़ोन एक दिन तो बड़े प्यार से निकाल देगा. OnePlus के ऑलमोस्ट सभी फोन्स में ये वॉल्यूम स्लाइडर बटन मिल जाता है जो रिंग, वाइब्रेट और साइलेंट तीनों चीज़ें कर सकता है. इस फोन के अंदर दो स्पीकर्स हैं एंड यू वोंट बिलीव, आवाज़ भी सही में डबल ही है. एक सैम्पल ऑडियो मैं आपको भी सुना देता हूँ. नो डिस्टॉर्शन, हाई क्वालिटी ऑडियो. अब जरा फोन के कॉन्स के बारे में बात करते हैं. सबसे पहली बात फोन की बिल्ड क्वालिटी. वैसे देखने में लगता है लेकिन फोन की बैक और साइड्स मेटल की नहीं है, इसका मतलब उस पर काफी इजीली स्क्रैच पड़ सकते हैं और बाय एनी चांस अगर आपका फोन गिरता है जिसमें उसकी साइड्स हिट करती हैं जमीन पे तो काफी चांसेस हैं कि वो साइड्स टूट सकती हैं, क्योंकि मेटल पे डेंट पड़ते हैं लेकिन प्लास्टिक साइड्स टूट जाती हैं. लेकिन उसका टूटना कभी कभी फोन की स्क्रीन टूटने से बचा लेता है. फोन हैंडी है लेकिन थोड़ा छोटा लगता है. फोन की स्क्रीन रेशियो के हिसाब से फोन की हाइट ठीक है लेकिन विड्थ थोड़ी और होनी चाहिए थी, तो जिन लोगों के हाथ थोड़े से बड़े हैं उन्हें मे भी फोन हाथ में पकड़ने में इतना अच्छा ना लगे. फोन के साथ 65 वॉट का रैप चार्जर तो मिलता है लेकिन फोन का बैकअप वैसे काफी कम है. OnePlus ने सोचा कि इतनी फास्ट चार्जिंग दे तो रहे हैं तो क्यों ना बैकअप के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए. फोन में 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं है, विच इज इंट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि एनीवे आजकल सब लोग वायरलेस यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए इट इज इंपॉर्टेंट, सो यू कैन परचेज एन अडॉप्टर फॉर 3.5 mm जैक. फोन के डिजाइन और कॉस्ट के हिसाब से फोन वाटर प्रूफ हो सकता था, एटलीस्ट वाटर रेजिस्टेंस तो होना ही चाहिए था. स्प्लैश रेजिस्टेंस,
लीव इट। वायरलेस चार्जिंग होनी चाहिए थी क्योंकि इट्स गेटिंग नॉर्मल नाउ। एप्पल के आईफोन SE में भी वायरलेस चार्जिंग है जो इस फोन से बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, एंड ऑब्वियसली इट इज एन एप्पल प्रोडक्ट। लेकिन अभी के लिए वन प्लस के सिर्फ 8 और 9 Pros में वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन दिस इज एन अमेजिंग फोन इन दिस प्राइस सेगमेंट। कैमरा अच्छा है, प्रोसेसर फास्ट है, 5G फोन है, लुक प्रीमियम है, 30 मिनट में फुल हो जाता है, और क्या चाहिए आपको। फोन के जितने भी कॉन्स हैं वो सब खत्म हो सकते हैं इफ यू गो हायर इन प्राइस। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज द बेस्ट फोन अवेलेबल इन दिस प्राइस सेगमेंट। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक इट एंड हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब फॉर मोर ऑसम वीडियोस। कैच यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।